नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा लाल किताब के अनुसार ग्रहों की बाहमी दोस्ती और दुश्मनी के बारे में। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जोर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। लाल किताब के अनुसार ग्रहों की बाहमी दोस्ती व दुश्मनी। दोस्तों, लाल किताब ज्योतिष में ये एक अपना ही नियम है कि किस ग्रह की किससे दोस्ती है, कौन सा ग्रह किस ग्रह का दुश्मन है और कौन सा ग्रह किस ग्रह के बराबर का ग्रह है, और उसके अलावा भी कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जो पंडित जी ने लाल किताब में लिखे हैं। तो दोस्तों, ये टेबल आपको दिखाई दे रही है। इस टेबल के बारे में मैं जानकारी देने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, लाल किताब की जो ग्रामर है उसके अपने कुछ नियम हैं जो वैदिक ज्योतिष से मेल नहीं खाते, और इन नियमों की जानकारी होना फलित करने के लिए, उपाय करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब इस टेबल पर आप देखें तो सबसे पहले ऊपर लिखा है ग्रहों की बाहमी दोस्ती व दुश्मनी। बाहमी का मतलब होता है आपस में, मतलब ग्रहों की आपसी दोस्ती और दुश्मनी। तो दोस्तों, जो आप टेबल देख रहे हैं उसमें सबसे पहले लिखा है नाम ग्रह, मतलब ग्रह का नाम, उसके साथ में लिखा है उसके बराबर का ग्रह, कि उस ग्रह के बराबर का कौन सा ग्रह है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। अब उसके साथ में लिखा है उसका दोस्त ग्रह और उसके साथ में लिखा है उसका दुश्मन ग्रह। तो दोस्तों, सबसे पहले एक नंबर पर जो आता है ग्रह वो है बृहस्पति। अब बृहस्पति के साथ में उसके बराबर के ग्रह कौन से हैं, वो है राहु, केतु और शनिचर। अब बृहस्पति के दोस्त ग्रह हैं सूरज, मंगल और चंद्र। बृहस्पति के दुश्मन ग्रह हैं शुक्र और बुध। अब बात करते हैं सूरज की, तो सूरज के बराबर का ग्रह है बुध। सूरज के दोस्त ग्रह हैं बृहस्पति, मंगल और चंद्र, और सूरज के दुश्मन ग्रह हैं शुक्र, शनिचर, राहु, केतु। अब बात करते हैं चंद्रमा की, तो चंद्रमा के बराबर के ग्रह हैं शुक्र, शनिचर, मंगल, बृहस्पति। शनिचर इसके चंद्रमा के दोस्त ग्रह हैं सूरज, बुध, और चंद्रमा का दुश्मन ग्रह है केतु और राहु। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र के बराबर के ग्रह हैं मंगल और बृहस्पति। शुक्र के दोस्त ग्रह हैं शनिचर, बुध, केतु, और शुक्र के दुश्मन ग्रह हैं सूरज, चंद्र और राहु। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल के बराबर के ग्रह हैं शुक्र, शनिचर, राहु। शुक्र के दोस्त ग्रह हैं मंगल के दोस्त ग्रह हैं सूरज, चंद्र, बृहस्पति, और मंगल के दुश्मन ग्रह हैं बुध, केतु। अब बात करते हैं बुध की। बुध के बराबर के ग्रह हैं शनिचर, केतु, मंगल, बृहस्पति। बुध के दोस्त ग्रह हैं सूरज, शुक्र, राहु, और बुध का दुश्मन ग्रह है चंद्र, शनिचर। शनिचर के
बराबर के ग्रह हैं केतु और बृहस्पति। शनिचर के दोस्त ग्रह हैं बुध शुक्र राहु। शनिचर के दुश्मन ग्रह हैं सूरज चंद्र मंगल। राहु, राहु के बराबर के ग्रह हैं बृहस्पति और चंद्र। राहु के दोस्त ग्रह हैं बुध शनिचर केतु और राहु के दुश्मन ग्रह हैं सूरज शुक्र और मंगल। केतु, केतु के बराबर के ग्रह हैं बृहस्पति शनिचर बुध सूरज। केतु के दोस्त ग्रह हैं शुक्र राहु और केतु के दुश्मन ग्रह हैं चंद्र मंगल। तो दोस्तों इस तरीके से ग्रहों की आपसी दोस्ती दुश्मनी और बराबर के ये बताया गया। अब इसके अलावा कुछ विशेष नियम पंडित जी ने लाल किताब में बताए हैं, अब उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों पंडित जी ने लिखा है कि चंद्र और शुक्र बराबर हैं, आप टेबल में भी देखेंगे कि चंद्र और शुक्र बराबर हैं, मगर चंद्र दुश्मनी करता है शुक्र से। चंद्र और शुक्र बराबर हैं मगर चंद्र दुश्मनी करता है शुक्र से। अब ऐसे ही बृहस्पति और शुक्र बराबर हैं मगर शुक्र दुश्मनी करता है बृहस्पति से। मंगल और शनिचर बराबर हैं मगर मंगल दुश्मनी करता है शनिचर से। चंद्र और बुध दोस्त हैं मगर चंद्र दुश्मनी करता है बुध से। अगला जो रूल है वो है राहु के साथ बृहस्पति चुप होगा मगर गुम ना होगा। मगर खाना नंबर दो में सेकेंड हाउस में राहु या बृहस्पति हो तो राहु बृहस्पति के अधीन होगा। और दोस्तों आगे का जो नियम है वो है कि बुध बृहस्पति का दुश्मन है और चंद्र बुध का दुश्मन है, पर खाना नंबर दो में या चार में बैठा हुआ बृहस्पति बुध या चंद्र बुध दुश्मनी की अपेक्षा पूरी पूरी मदद करेंगे आर्थिक सहायता के लिए। तो ये पंडित जी ने कुछ विशेष नियम साथ में बताए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।